दोस्तों मैं जानता हूं कि आपने काफ़ी रिसर्च करी होगी YouTube पे, लेकिन आपको कोई भी iCloud बाईपासिंग की वीडियोस नहीं मिली होगी जो कि आपको बिल्कुल गारंटी से कह सके कि आपका फ़ोन iCloud बाईपास हो जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि दोस्तों आपका फ़ोन iCloud बाईपास हो जाएगा, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आ जाए तो, वरना मत करना दोस्तों बिल्कुल भी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहां पर आज मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने iPhone को iCloud बाईपास कर सकते हो। सबसे पहले मैं जेल ब्रेक की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो जेल ब्रेक करने के लिए आपको पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस में बता रखा है, तो आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेगी जिसका लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो वीडियो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप वही देखना जिससे कि आपका फ़ोन iCloud बाईपास हो जाएगा। ये कुछ वीडियोस हैं, अगर आपका USB बूटेबल में वर्क नहीं कर रही है तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपका फ़ोन 100% जेल ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद आती है मेन काम दोस्तों, हमें अपने फ़ोन को बाईपास करना होता है। तो बाईपास करने से पहले हमें जेल ब्रेक करना होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बाईपास के लिए भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन उसमें से पहले आपको 3U टूल्स की थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी है ताकि आप iOS वर्जन पता कर सके कि कौन सा है आपके फोन का। इसके बाद मेन आता है iCloud बाईपासिंग, जिसके लिए ये वाली आपको वीडियो देखनी है पूरी। आपको इसके अंदर सारे जो भी बता रहा हूं मैं स्टेप्स वो फॉलो करने हैं जिससे कि आपका फोन इजीली iCloud बाईपास हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी और वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पे ये वीडियोस मैं शूट कर रहा हूं उस टाइम पे मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है। जब भी हम अपने सीरियल नंबर को रजिस्टर करते हैं तो कुछ इस तरीके का वहां पे एरर देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक हफ्ते या महीने बाद ये फिक्स हो जाए। आज के टाइम पे ये नहीं चल रहा है तो मैं पहले ही बता दूं आपको दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें एक पेड सर्विस जो होती है iCloud बाईपासिंग की, वो हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो कि काफ़ी लोगों का सवाल था। तो दोस्तों बता दूं कि मैंने पहली 2 वीडियो बना रखी है जिसपे कि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि हमें ये यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोनों वीडियो आप देख लेना, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं लेता अपनी तरफ से कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आप जानता हूँ कि आपकी सारी क्वेरीज फिक्स हो गई होंगी, तो अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय दोस्तों।